नितिन गडकरी जी एक बहुत अच्छे कुशल प्रशासक हैं, एक अच्छे प्रभावी मंत्री भी हैं, लेकिन उनको गंगा की अविरलता का ज्ञान नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए बहुत सम्मान करता हूँ, पर वो गंगा को उनकी आँखों में, उनके दिल में, उनकी आत्मा में गंगा का जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो गंगा का आध्यात्मिक पहलू है, वो नहीं है, वो उसको नहीं जानते, इसलिए वो गंगा की अविरलता के लिए आगे नहीं आए। देखिए, ये जो गंगा को जल यातायात का रास्ता बना रहे हैं, गंगा जी जल यातायात के छोटे वाहनों के लिए, जिसके लिए हमें ड्रेजिंग ना करनी पड़े, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। नाव के लिए नाव चलें, लोग आए जाएं, उसमें तनिक भी आपत्ति नहीं। लेकिन गंगा जी को गहरा करने के लिए जो ड्रेजिंग होगी, उस पर हमारी सरकार का बहुत पैसा खर्च होगा, और ये जो ड्रेजिंग होगी, जब भी बाढ़ आएगी वो फिर उसमें मिट्टी और रेत बैठ जाएगी, तो वो ड्रेजिंग सस्टेनेबल नहीं होगी। इसलिए सरकार को ड्रेजिंग के नाम पर इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, और एक तरफ सरकार का पैसा खर्च होगा और दूसरी तरफ युवराजपुर जैसे गांव उजड़ेंगे, सायल जैसे पुराना जैसे गांव उजड़ेंगे, सिमरा जैसे गांव उजड़ेंगे। इसलिए गांवों को और शहरों को उजड़ने से बचाना है तो गंगा में ड्रेजिंग नहीं करनी चाहिए। गंगा में गडकरी साहब को यदि यातायात करना है तो छोटे छोटे वाहन चलाएं, जिससे गंगा जी में ये बड़ी आफत ना आए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गंगा जी में यदि बड़ा वाहन चलाया गया तो वो इस इलाके के लिए बहुत घातक होगा, गंगा जी के लिए विनाशकारी होगा। गंगा जी की जो अपनी मर्यादा है, अपनी जो पवित्रता है, वो सब नष्ट हो जाएगी, और गंगा जी खत्म हो, और गंगा जी की जैव विविधता, गंगा का जो अपना जीन पूल है, वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए गंगा जी को गंगा जी बनाए रखने के लिए इसमें ये नेविगेशन नहीं करना चाहिए। गंगा जी नेविगेशन नहीं है, गंगा जी खच्चर नहीं है, गंगा माई है, इससे कोई कमाई नहीं करनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि गंगा की अविरलता सुनिश्चित कराए बिना हम घर नहीं बैठेंगे।